है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुद्ध याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली जो इंडियंस ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं पहले बोलना चाहती हूँ अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, ये कोई भी ज्ञान या मैं कुछ भी ऐसा ज्ञान व्यान नहीं बांटने वाली हूँ। आज मैं जो बात करूंगी वो दिल से बोलूंगी और ये सारी बातें मेरे दिल से निकलने वाली हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एज एन इंडियन मुझे फील होती हैं, जिसमें हमारा इंडिया ज्यादा बेटर है या बेटर प्लेस टू लिव है रादर देन जर्मनी के। तो हम उस बारे में बात करें, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी ऐसी चीज है, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो जो मैं पहली चीज बताने जा रही हूँ ना, मैं बताऊ मैं इतना ज्यादा मिस करती हूँ ना, सीरियसली, वो है इंडियन फूड। दुनिया का कोई भी फूड ले लो, जर्मन फूड की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, पर इंडिया का फूड वर्ल्ड में बेस्ट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे जितना ब्रेड ये वो खा लो, पर जो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है ना, वो अपने इंडियन खाना खा के ही मिलती है। और इतना ज़्यादा, पता है, हम मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हमें इंडिया गए, इतना ज़्यादा क्रेविंग होती है ना इंडियन फूड की। लकीली हमको एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया है, इंडियन रेस्टोरेंट, जिसका खाना मतलब ऑलमोस्ट इंडिया जैसा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है खा के। वरना इंडियन फूड इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड इतनी वेराइटीज़ हमारे इंडिया में, इतनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट की कुछ अलग स्पेशलिटी है, और हर स्पेशलिटी एक नंबर है। उस फूड को वर्ल्ड में कोई भी कंट्री आई एज एन इंडियन फील की बीट नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जर्मनी में भी जर्मन्स भी इंडियन फूड के एक्चुअली दीवाने हैं, उनको इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पाइसी नहीं खा सकते, बात सही है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे रेस्टोरेंट में, पता है, इंडियन फूड बोलेंगे पर वो ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं रहेगा, मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग मोस्टली, ज़्यादातर पॉपुलेशन जर्मन के लोगों की है यहाँ पे, तो वो नहीं खा सकते इतना स्पाइसी, लेकिन उनको भी इंडियन फूड बहुत पसंद है। तो ईस्ट और वेस्ट, इंडियन फूड इज द बेस्ट। तो अगला जो पॉइंट है वो है हाउस होल्ड हेल्प। इंडिया में आप देखो ना, कितने जल्दी हम लोगों को ये घर में काम करने वाली बाई, और ये क्या कह रहे हैं, बर्तन मांजने वाली, और सारा जो भी हाउस होल्ड वर्क हो, कुछ भी आप ले लो। अब तो मशीन्स इंडिया में भी काफ़ी आ गई, तो हाउस होल्ड वर्क थोड़ा कम हो गया है, जिसके लिए हमको किसी को हायर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत ईजिली आपको हाउस होल्ड हेल्प मिल जाती है। जो बैचलर्स ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको पता है ना कि आपकी जो काम वाली जो आंटी हैं, वो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, उनको आप बिल्कुल भी नाराज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपके पेट का सवाल है, लेकिन वो कितनी इजीली मिल जाती है, और आपको कितने कम पैसों में इतना अच्छा खाना, चाहे आपको ना भी पसंद हो, पर फिर भी खाना बना के अच्छा दे देती है, कितने लोगों की तो अच्छी भी खाना बनाती होंगी। तो भाई, वो हाउस होल्ड हेल्प अगर आप यहाँ आ रहे हो तो भूल जाओ, आप ही अपने घर के खाना बनाने वाले हो, आप ही अपने घर का पोछा मारने वाले हो, बर्तन धुलने वाले हो, मशीन्स लगवा सकते हो, कोई बात नहीं, बट सब कुछ आप ही हो, आप ही सारे करता धरता हो। तो हाउस होल्ड हेल्प जो है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, बट बहुत ज़्यादा महंगा होगा, इतना महंगा होगा कि कभी कभी वो मे बी शायद आपकी आधी आधी से ज़्यादा सैलरी भी खा जाए। तो भाई, कोई भी नहीं इतना पे कर सकता, बहुत इमरजेंसी में ही आप इतना पे कर सकते हो। तो हाउस होल्ड हेल्प इज़ वेरी कॉस्टली। तो अगली जिस चीज़ में हमारा इंडिया ज़्यादा सस्ता है यहाँ से, वो है ट्रेन। इनफैक्ट ट्रेन का जो कॉस्ट है इंडिया पे, ट्रेन ट्रैवल का, वो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द चीपेस्ट कॉस्ट है इंडिया में। और जैसे यहाँ पे अगर आप मान लीजिए ट्रेन ट्रैवल का पास लोगे, राइट, तो आपका मंथली पास 5,000 रुपये के करीब पड़ जाएगा, जो बहुत कॉस्टली। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करोगे,
तो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जबकि इंडिया में हर वर्ग के जितने भी वर्ग के लोग हैं, भले इतनी फैसिलिटीज नहीं होंगी मैं मानती हूँ, पर हर वर्ग के लोगों के लिए आपको रीजनेबल रेट में आपको ट्रेन का ट्रैवल मिल जाएगा, जो कि आपको जर्मनी में नहीं मिलेगा। जर्मनी में पैसा ही आपकी पावर है, जो कि एक्चुअल में सच है। इनफैक्ट कई बार आपको पता है, जान के आश्चर्य होगा कि फ्लाइट के रेट चेक करो, ट्रेन के रेट चेक करो, फ्लाइट सस्ती मिल जाती है ट्रेन से। तो भाई ट्रेन काफी महंगी है जर्मनी में, हमारा इंडिया काफी चीप रेट में सबके लिए फैसिलिटी देता है। और अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं भी ये चीज फील करती हूँ कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ इज बेटर इन इंडिया देन बीइंग इन जर्मनी। और जर्मनी में भी जो लोग रहते हैं, राइट, जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो काफी मतलब इस चीज से परेशान रहते हैं, बिकॉज पहले तो पेंशन बहुत ज्यादा कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है कि वो पेंशन उस चीज़ को मीट नहीं करता है। और जैसा कि यहाँ के लोगों को बाहर खाना वगैरह खाना खाने की इतनी ज़्यादा आदत है, तो वो उनकी लाइफ ना बहुत बदल जाती है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। बहुत ही कम पेंशन यहाँ पे जर्मनी में मिलती है, आपको अलग से पेंशन प्लान करना पड़ता है। और अगली चीज़ जो कि आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते हैं, यहाँ मोस्टली 16 साल के बाद बच्चे अलग रहने लग जाते हैं, तो बहुत ही अकेलापन फील होता है मोस्टली ओल्ड एज होम में, जो टिपिकल ओल्ड एज होम नहीं बोल सकते पर नाम तो ओल्ड एज होम ही है, वहाँ पे आपको अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ गुजारनी पड़ती है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगी कि जब तक दिल चाहे तब तक वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो, और उसके बाद जब मन करे चले जाओ इंडिया, अपने कंट्री चले जाओ, और अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। तो अगली जो चीज़ है जिसमें इंडिया हमारा ज़्यादा बेटर है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि इंडिया में सोशल लाइफ ज़्यादा बेटर होती है। वहाँ पे बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, और आप सब ने आपको याद होगा, पता नहीं आपके जहाँ पे रहते हो वहाँ ऐसा होता है कि नहीं, पर जब हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, राइट, जब जैसे ठंड पड़ती थी तो हमारे मोहल्ले में आराम से एक आग जला लेते थे, और मोहल्ले की सारी आंटियाँ या अंकल आके मस्त उधर बैठ जाते थे, अपना आलू पकाते थे, और जिसको हम यहाँ पे स्वीट पोटैटो बोलते हैं, हमारे साइड में गंजी बोलते हैं, गंजी पकाते हैं और मस्त इन्जॉय करते हैं, और सब एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, काफ़ी सोशल होते हैं। तो उतने सोशल यहाँ पे लोग नहीं होते हैं, तो आई थिंक कि इंडिया में सोशल लाइफ इज़ ज़्यादा बेटर, बल्कि कि इंडिया में भी आजकल होने लगा है, बड़े शहरों में इतना सोशल नहीं है, बट स्टिल इट्स बेटर एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। और अगली चीज़ जिसमें हम इंडियंस बहुत बेटर हैं जर्मनी के कंपैरिजन में, कि इंडिया में बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो कि जर्मनी में सबको इंग्लिश नहीं आती है, तो अपने कॉलर ऊपर कर लो, वी आर बेटर देन देम। इंग्लिश के मामले में इंग्लिश बहुत सारे लोगों को आती है, जबकि यहाँ पे आप आओगे तो जर्मन सीखना पड़ेगा, सबको इंग्लिश नहीं आती है। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी लोग होते हैं जिनमें सबको इंग्लिश नहीं आती है। अगली चीज़ जिसमें हमारा इंडिया सस्ता है इन कंपैरिजन टू जर्मनी, वो है चीज़ों की रिपेयरिंग और सर्विसेज का कॉस्ट। मान लीजिए कि आपका कोई भी वॉशिंग मशीन या कुछ भी अगर पहली बार बिगड़ जाता है तो आप क्या करोगे? हम लोग क्या करेंगे? रिपेयर कराएंगे, राइट। बट यहाँ पे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा एक लैपटॉप जब मैं आई थी ना इंडिया से लेके आई थी, अब वो बिगड़ गया। अब उस लैपटॉप को बनवाने के लिए हमने 3 से 4 चक्कर काटे। एक तो शॉप्स बहुत रेयर हैं रिपेयरिंग की, 3 से 4 चक्कर काटे हर बार की, यहाँ गए हैं, हॉलीडे चल रहा है, कुछ फाइनली रिपेयरिंग के लिए उसने बोला, हमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट बताई कि जितने का हमारा लैपटॉप नहीं है ना, उतने का कॉस्ट बता दिया रिपेयरिंग का। तो इसीलिए रिपेयरिंग और सर्विसिंग की भी कॉस्ट, हमने अभी डिश वॉशर खरीदा है, जितने का डिश वॉशर नहीं है, आधा हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज लग गया है। तो भाई सर्विसेज के मामले में इंडिया बहुत ही ज़्यादा चीप है और अच्छा है, आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सामान खराब भी हो जाए तो आराम से रिपेयर करा सकते हो। तो जो अगली चीज़ है जिसमें हमारा इंडिया बेटर है जर्मनी से, वो है डाइवर्सिफाइड लैंडस्केप। इंडिया में लैंडस्केप की इतनी डाइवर्सिटी है, ज़रा सोचो आप कि आपको एक ही कंट्री में आप घूमने जाओ, आपको बीचेस के मज़े मिल जाए, पहाड़ी के मज़े मिल जाए, आपको मस्त हरियाली मिल जाए, आपको रेगिस्तान मिल जाए, आपको टी फार्म्स मिल जाए, मतलब क्या नहीं है इंडिया में, इतनी डाइवर्सिटी है यार लैंडस्केप की, फूड की, हर चीज़ की इतनी डाइवर्सिटी है जो कि जर्मनी में नहीं है। उसके कंपैरिजन में हैंडफुल ऑफ चीज़ें ही हैं या डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी तो बिल्कुल नहीं है जितनी हमारी इंडिया में है, इसीलिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। तो ये सारी चीज़ें जो थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया एज एन इंडियन, जो मुझे फील हुआ, तो आप भी मुझे बताइए चाहे, क्योंकि मेरे व्यू, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि बहुत ही वर्सेटाइल हमारे व्यूअर्स हैं हमारी फैमिली में, तो आप हमको बताइए कि आप
आपकी कंट्री में क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि बेटर है जर्मनी से, हमें बहुत अच्छा लगेगा जान के। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, मैं भी कमेंट भी करें कि भाई अगर इंडिया इतना अच्छा है तो जर्मनी में क्यों रह रहे हो। तो मैं ये बोलूंगी, उस पर भी अलग वीडियो बनाऊंगी कि जर्मनी में क्यों रह रहे हैं और हर जगह का प्रोज एंड कॉन्स होता है, नोबडी इज परफेक्ट। तो इसी तरह से जर्मनी इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो ठीक है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ का मजे ले रहे हैं, आप भी जा रहे हो उधर के मजे लो। और बस फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे, अपना छुट्टी सबकी होगी राइट, एंजॉय करो, मस्त पकड़िया तलो खाओ और आई विल सी यू सून अगेन, बाय बाय, टेक केयर। देखिए मैंने वो स्नोफॉल वीडियो में आपको यही पार्क दिखाया था ना, अभी मैं दिखाती हूँ, देखिए कैसा ये पार्क हो गया, क्या हालत हो गई है इसकी, कैसे अपने मस्त पड़ गए हैं और बहुत फिसलन भी हो गई, एकदम छप छप पानी जैसा हो गया है। और पता है इस टाइम में ना मुझे बहुत मजा आता है, आके ना बर्फ को मस्त कुचलते रहो, तो मुझे पत्ते और बर्फ कुचलने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो मैं करती हूँ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो।